वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड खुदा और मोहब्बत में आपने देखा कि तैमूर की मौत ने सबको हिला कर रख दिया। माही के माँ बाप को जो पता चल जाता है कि उनकी बेटी की बर्बादी के पीछे उनके बेटे की दुश्मनी थी, जिस पर बड़े शाहजी यानी माही के बाप अपने बेटे को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरे बरसों पुरानी इज्जत को खाक में मिला दिया, अपनी बहन का घर बसने से पहले उजाड़ दिया, तुम्हारी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया तुम्हारी बहन का सुहाग, ये सबके जिम्मेदार तुम हो, ऐसा दाग लगवाया है तुमने, मेरी साथ रिश्ते भी धोना चाहे तो भी नहीं धो सकती, अब ये कब्रिस्तान की मिट्टी ले और फेंक मुझ पर और देख मेरी रुसवाई को। दूसरी तरफ तैमूर की माँ भी यही कहती है, मेरा बेटा हाथ साथी मौत नहीं मरा, उसका दिन दिहाड़े कत्ल हुआ है, किसी की दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। वो नफरत भरी नजरों से नाजिम शाह की तरफ देखती है। माही के वालदैन वापसी के लिए इजाजत मांगते हैं और माही को साथ ले जाने का बोलते हैं, मगर फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे कि माही उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। रीता हैरान और परेशान माही से पूछती है, तुम क्यों रहोगी यहाँ और किस हसीयत से यहाँ रहना चाहती हो? जवाब में माही कहती है, तैमूर की बेवा की हसीयत से। रीता बोलती है, ऐसी भी क्या मजबूरी है माही? तो माही तड़प कर कहती है, मजबूरी नहीं ये सजा है मेरी। माही की माँ भी उसे समझाती है, माही वापस चलो हमारे साथ, रहम करो खुद पर। जिस पर माही बोलती है, आप कैसे बोल सकती हैं कि तैमूर ने भाई की दुश्मनी का खमियाजा भुगता है, हमारी वजह से उसकी जान चली गई, अब आपको बदले में अपनी बेटी का खराज तो देना पड़ेगा। माही अपनी माँ का हाथ पकड़ कर चूमती है और उन्हें अलविदा कहती है। माही का बाप भी अपनी बेटी के फैसले को मानते हुए उसके सर पर हाथ रख देता है, क्योंकि वो भी जानता है कि माही को आगे का सफर अकेले तय करना है सजा समझकर। मजीद आप ये भी देखेंगे कि तैमूर की मौत की खबर जब रुमाना को पता चलती है, वो अपने रिश्तेदार चंदा बेगम जो रुमाना के साथ गाने बजाने का काम करती है उन्हें लेकर मुल्तान के लिए रवाना हो जाती है। अब रास्ते में जब रुमाना ट्रेन में होती है तो रुमाना की आंख लग जाती है, मगर चंदा बेगम एक अजनबी शख्स जिसने अपने मुंह को छुपाया हुआ होता है उसे देखकर बोलती है, ओए कौन हो तुम, अपने मुंह से ये कपड़ा तो हटाओ। जब तक रुमाना की आंख भी खुल जाती है और वो अजनबी कोई और नहीं फरहाद होता है, जो उनकी बातें सुनने के बाद अपनी मौजूदगी जाहिर कर देता है, जो जान गया है कि क्या कुछ हो गया है माही के साथ। अब फरहाद किस तरह माही तक पहुंचेगा या अब इनकी मुलाकात मुल्तान की दरगाह पर ही होगी? मजीद आगे क्या कुछ होगा ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली अगली वीडियो को जरूर देखें।